डू यू पीपल नो दैट जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं उनकी स्टार रेटिंग क्या बताती है? 5 star, 4 star, 2 star. What does it signify? वो क्या दर्शाती है? क्या होगा उससे? उससे बिजली कम लगेगी, राइट? तो अभी आपकी गाड़ियां जो हैं, आपकी जो गाड़ियां हैं, they will also have star rating. Starting from 1st of October, स्टार रेटिंग क्या बताएगा? कितनी गाड़ी सेफ है और कितनी गाड़ी सेफ नहीं है. सो what happens is, अभी साइरस मिस्त्री की डेथ हो गई थी, यू रिमेंबर दैट? तो ही वॉज अ वेरी बिग प्रोमिनेंट बिजनेस मैन इन इंडिया. जब उनकी उनकी भी डेथ हो गई, सो what happened was, तो भारत सरकार जागी कि इंडिया में गाड़ियां बनाने वाली जो कंपनीज हैं, इंडिया में इतनी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखती जितना बाकी देशों के अंदर रखती हैं. तो अगर स्विफ्ट का मॉडल इंडिया में टेस्ट किया जाए तो उसको 0 रेटिंग मिलती है सेफ्टी की. क्रैश टेस्टिंग की जाती है, 64 किलोमीटर पर आर की स्पीड से लाकर गाड़ी को कहीं मारा जाता है एंड फिर देखा जाता है कि डमी जो अंदर बैठाई थी उसके ऊपर सेंसर्स लगाए गए थे. व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ द एक्सीडेंट ऑन दैट डमी? सो व्हाट इंडिया डिड इज कि लैटिन अमेरिका की स्विफ्ट जो है वो भी सेफ है. लैटिन अमेरिका, सदर्न अमेरिकन कंट्रीज, इंडिया में नहीं थी. और ऐसी बहुत सारी जो अनसेफ गाड़ियां उसकी वजह से इंडिया में 1% व्हीकल पॉपुलेशन होने के बावजूद 10% ग्लोबल रोड एक्सीडेंट्स के अंदर डेथ्स होती है, राइट? सो हमारे पास वी हैव 1% व्हीकल पॉपुलेशन एंड 10% ग्लोबल डेथ्स हैपनिंग इन रोड एक्सीडेंट्स. हर साल 1.5 लाख लोग मर जाते हैं. क्या कोई ऐसा टेररिस्ट अटैक है या कोई ऐसा नेचुरल डिजास्टर है जिसकी वजह से 1.5 लाख लोग एक साल के अंदर मर जाएं? नथिंग लाइक दैट. सो असल ट्रेजेडीज तो ये है, तो लोग बीमारियों से मर रहे हैं, टीवी से मर रहे हैं, एंड रोड एक्सीडेंट से 1.5 लाख लोग दे डाई. एंड यू कैन इमेजिन दैट कितने सारे हमेशा हमेशा के लिए डिसेबल्ड हो जाते हैं. नोबडी नोज दैट, राइट? सो नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के जो मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम. सो वॉलेंट्री होगा ये इनिशियली, कि जो भी कंपनी चाहे अपनी गाड़ी टेस्ट करवा सकती है एंड क्रैश टेस्टिंग करके देखा जाएगा कि उसको कितनी रेटिंग मिलनी चाहिए. चाइल्ड ऑक्यूपेंट सेफ्टी, बच्चा होगा तो कितना सेफ होगा, एडल्ट ऑक्यूपेंट सेफ्टी एंड जो फीचर्स हैं सेफ्टी फीचर्स वो कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे से काम कर रहे हैं. ये 3 पैरामीटर्स होंगे अभी जो इंडिया अडॉप्ट कर रहा है. दुनिया में इससे भी बेटर मॉडल्स हैं टू टेस्ट कार असेसमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट कार्स विल बी रेटेड. सो ऑब्वियसली व्हेन पीपल आर गोइंग टू गो टू बाय कार्स, जब गाड़ियां खरीदने जाएंगे, अपनी परिवार की सेफ्टी डेफिनेटली एक फैक्टर होगा खरीदते हुए. तो जिस गाड़ी को 5 star रेटिंग मिलेगा उसको ज्यादा खरीदा जाएगा. तो अभी ये वॉलंटरी है मैंने आपको बताया, लेकिन अगर किसी गाड़ी की 30,000 यूनिट्स या उससे ज्यादा बिक जाती हैं तो फिर उनको करवाना पड़ेगा. ऐसी कुछ चीजें आने वाले समय में सरकार इंट्रोड्यूस कर देगी. राइट? सो ग्लोबल एनकैप स्टैंडर्ड्स चलते हैं. अमेरिका में सबसे पहले 1978 में ऐसी टेस्टिंग स्टार्ट की गई थी. अभी रिसेंटली इंडिया में कुछ चीज़ें मैंडेटरी कर दी गई हैं, लाइक दोनों आगे वाली सीटों में एयरबैग्स होने जरूरी हैं, पार्किंग सेंसर्स होने जरूरी हैं. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू मेक द कार्स अ बिट मोर सेफ. धीरे धीरे ये सारी चीज़ें ट्रक्स के अंदर भी लाई जाएंगी. एंड ये जो 1.5 लाख लोगों की डेथ हो रही है, अभी तो 1% ऑफ टोटल व्हीकल पॉपुलेशन है. आने वाले समय में जब गाड़ियां और बिकेंगी तो पता नहीं कितने लाख लोग मर जाएंगे अगर ये सब स्टेप नहीं लिए जाते. सो द स्टेप इज व्हाट? इट इज भारत एन कैप न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम 1st of October 2023 से दिस विल बी इंप्लीमेंटेड.